वो अंगूठी मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी बसती है उस अंगूठी के अंदर, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे संभाल कर रखो। तो ठीक है बाबा, तुम्हारी अंगूठी यही है, लो देखो। क्या हुआ बेटा, घबराई हुई क्यों दिख रही हो? अंगूठी है ना गुड्डन, मुझे अंगूठी दिखाओ एक बार। गुड्डन क्या हुआ तुम्हें, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मम्मी पापा चुकी, जल्दी आओ। क्या हुआ गुड्डन? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ दी, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है चुटकी, हमारी गुड्डन से ना कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हुआ क्या है बता तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? कि एजे अंकल ने मुझे एक रिंग दी थी, मुझसे पता नहीं कैसे और कहां खो गई है। वो बार बार फोन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिंग देखनी है। हे राम, अब क्या करूं मैं इस लड़की का, एक के बाद एक कांड करती रहती है। मैंने कहा था इससे कि अंगूठी मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख देती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी तो ना सुनने की जैसे इसने कसम खा रखी है। मम्मी आप पहले रिंग ढूंढवा दो, बाद में गुस्सा कर लेना, चाहे तो मुझे मार भी लेना। मुझे लगता नहीं आपको मौका मिलेगा, क्योंकि अगर रिंग ना मिली तो एजे अंकल मुझे आपसे पहले ही मार देंगे। एक काम कर, तू फोन मुझे दे और वहां जाकर ढूंढ ला इधर। नमस्ते दामाद जी, कैसे हैं आप? गुड्डन तो बाथरूम गई है, और थोड़ा तो सब्र रखिए, अब समय कितना रहेगा सगाई में। ला रहे हैं आपकी गुड्डन तो आपके घर, रहा नहीं जा रहा क्यों उसे देखी बिना? वैसे तो हमारी गुड्डन है ही ऐसी, कोई भी उसे एक बार मिल ले तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस अपनी रिंग एक बार। हाँ जी हाँ, आपको आपकी अंगूठी और अंगूठी पहनने वाली दोनों के दर्शन हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, फिर जी भर कर देख लीजिएगा आप, ठीक है? हाँ ठीक है, पर मुझे प्लीज जल्दी, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ हाँ करिए ना इंतजार, उसका तो अपना अलग ही मजा होता है ना? क्या हुआ मम्मी, क्या कहा आपने? मैंने क्या कहा वो छोड़, तूने जो किया है उसकी सोच, अब क्या करेंगे? अभी तो मैंने जैसे तैसे बात संभाल ली है, पर बिना अंगूठी के सगाई में कैसे जाएंगे? गुड्डन तुझसे तो कुछ भी सही हो ही नहीं पाता है, मेरी तो समझ भी नहीं आता कि कोई अपनी ही सगाई की अंगूठी कैसे घुमा सकता है। गुड्डन कैसे होगी तेरी शादी? हाय, काश मेरी सगाई भी बिल्कुल ऐसे हुई होती। इधर सरू लक्ष्मी दी, सपनों की दुनिया में से ना 10 मिनट की फुर्सत लेके बाहर आ जाओ, और देखो मेहमानों का स्वागत करो, वरना अगर एजे ने देख लिया ना तुम्हारे सपनों की बैंड बजा देंगे। लल्ला, गुड्डन और उसके घर वाले आए नहीं अभी तक? आ जाएंगे। अरे आ गए वो। सौ बस जिएगी मेरी बहू। अंगूठी लाई हो? लल्ला इतना उतावला क्यों हो रहा है सगाई के लिए? जिसको अंगूठी पहनानी है पहले उसको तो निहार ले। बेटा अभी अभी तेरे बारे में ही पूछ रही थी मैं, बड़ी उम्र लंबी है तुम्हारी।
कितनी सुंदर लग रही है तू, नजर ना लग जाए मेरी। बड़ों की नजर थोड़ी लगती है, आशीर्वाद लगता है। हाय हाय, कितनी समझदार है। वो सब ठीक है, मुझे रिंग देखनी है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। आज की ताजा खबर, प्यार की निशानी खो जाने के कारण नफरत की आंधी पूरे घर में आने वाली है। वो गुठी तो यहाँ। आपकी अंगूठी मेरे पास है। आप तो जानते हैं ना गुड्डन को, अगर इसके हाथ में होती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती, इसलिए मैंने अपने पास संभाल कर रख ली थी। गुड्डन, अंगूठी। अंगूठी कहाँ? तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी, अपनी तकदीरें। क्या बकवास है ये? असली अंगूठी कहां है गुट्टन? बेच दी क्या? बोलो, वैसे तो हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, अब इस बात का जवाब दो कि असली अंगूठी कहां पे? जरूर नियत में खोट आ गई होगी, वरना एक अंगूठी संभालना कौन सी बड़ी बात थी? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अंगूठी बहुत संभाल कर रखी थी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुमने कुछ ज्यादा ही संभाल के रख लिया अपने पास। तुम्हें पता है कि वो अंगूठी एजे के लिए कितनी ज्यादा अनमोल है? 1760 डायमंड्स लगे होंगे उसमें, और तुम ये नकली अंगूठी लेकर आ गई, शर्म नहीं आई तुम्हें? एजे से शादी करने जा रही, इस घर की मालकिन हमारी सास बनने जा रही हो। जितनी इज्जत हमने एजे को दी है उतनी ही इज्जत हमने आपको दी, पर आप एक अंगूठी भी नहीं संभाल पाई। इतने बड़े घर को, इस परिवार को कैसे संभालोगी? कैसे होगी ये शादी?
यही तो गलती कर रही हो। इन लोगों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्यार देखी, सम्मान देखी, इनसे तो ऐसे बात करनी चाहिए जिस तरह चोरों से बात करते। ये लोग ना प्यार के लायक है और ना रिश्ता करने के लायक। आप समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप क्या हमें चोर कहने की कोशिश कर रही हैं? कोशिश नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं। और क्यों ना कहें, तुम्हारी बहन से एक अंगूठी नहीं संभाली गई तो ये हम तीनों की सास क्या खाक बनेगी? हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि हमसे अंगूठी नहीं संभाली जाएगी, हमसे कुछ भी नहीं हो पाता है। पर आप हमें चोर मत कहिए, हमने चोरी नहीं की। कोई उसके पीछे नहीं जाएगा। मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। शादी करना मुझसे ना हो पाएगा। इनका नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ने वाला है और ऐसा होते ही ये मेरी दूसरी पत्नी और इस घर की और इंडिया की यंगेस्ट सास का दर्जा पा लेगी। गुड्डन ने किस्मत बदल दी तुम लोगों की, पर फायदा तो हुआ ही होगा ना, वरना कौन बाप अपनी बेटी की शादी उसकी उम्र के दुगने आदमी से कराता है। इनसे तो ऐसे बात करनी चाहिए जिस तरह चोरों से बात करते। ये लोग ना प्यार के लायक है और ना रिश्ता करने के लायक। छोड़ दूंगा तो गिर जाओगी पूल के अंदर। गिरा तो पहले ही चुके हैं ना, सबकी नजरों में, और कितना गिराएंगे। पागल हो क्या, क्या कर रही थी? क्यों, अब आपको बुरा लग रहा है? पर आपने सोचा कि हमें और हमारे परिवार वालों पे क्या गुजरी होगी? किसने इजाजत दी उन तीनों को हमारी बेइज्जती करने की? हमें चाहे कोई जो मर्जी कह ले, पर हमारे परिवार में जब कोई उंगली उठाता है ना, हमसे कतई सहन नहीं होता। माना कि थोड़ी झलनी है, आपकी अंगूठी खो दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये भी पता है कि वो आपकी पहली पत्नी अंतरा की आखिरी निशानी थी, तो अब कुछ हो तो नहीं सकता है ना। और आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर क्या आप उससे अपनी अंगूठी वापस ला पाएंगे? नहीं, पर फिर भी उस एक अंगूठी की वजह से हमें और हमारे घर वालों को चोर बोला गया। और आपने कुछ भी नहीं कहा ना, क्योंकि आपको तो उस अंगूठी की इंपॉर्टेंस पता है। पर जब आप इतना ही प्यार करते हैं अपनी पहली पत्नी से, तो मुझे अंगूठी खोने वाली से शादी क्यों करना चाहते हैं? हमने तो पहले ही कहा है ना, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। हम एक्टर बनना चाहते हैं और यहाँ हमें तीन तीन लोगों की सास बना दिया। हमसे एक आसान सा काम तो होता नहीं है। और आपको क्या लगता है कि हम इतना बड़ा घर और तीन तीन बहुओं को संभाल पाएंगे? हमारी चूक, आप भी तो ये शादी नहीं करना चाहते हैं ना। आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है, फिर क्यों करना चाहते हैं? इस चिट्ठी के मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मेरी इस मांग को पूरा करना ही होगा। ऑप्शन तुम जो कह रही हो एकदम सच है। तुम और मैं, हम बहुत अलग हैं, कोई मेल नहीं है। फिर भी हमारी शादी होगी। तुमने अंगूठी खोई,
तो मैं दूसरी अंगूठी पहनाकर तुम्हारे साथ आज और इसी वक्त सगाई की रस्म पूरी करूंगा। अब जल्दी करो, सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो है फैला सा, जो खत्म न होगा, तू ऐसा सफर है मेरा कलमा, तू रूप जहर है। लॉर्ड कृष्णा, ये सब क्या हो रहा है? बेटा ये सब मेरे कान्हा जी की लीला है। वो चाहे ना तो इंसान की एक नहीं चलती। अब तू देख सब कुछ है ये, पर मेरा परिवार फिर भी अधूरा। बस तू बेटा ये समझ ले कि ये सब कुछ ठीक करने के लिए कान्हा जी ने तुझे यहाँ भेजा है। हाँ कहती बेटा, गुड्डन कहाँ रह गई? देखो तो सही, जरा ढूंढ के लाओ उसे, हमें घर भी जाना है बेटा। नहीं पापा, अभी सगाई होना बाकी है। बेटा सगाई की रस्म पूरी की। तुम और मैं हम बहुत अलग हैं, कोई मेल नहीं है, फिर भी हमारी शादी होगी। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा जमीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। लक्ष्मी बहू, जब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना तो टोकते नहीं,